और कैसे? बढ़िया। अभी क्योंकि काफ़ी दिन मेरे को टाइम नहीं मिला थोड़ा, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। तो आज एक है तो थोड़ा अलग सिस्टम, लेकिन आपको दिखा देते हैं कि ये IAB की टॉप लोड मशीन है ये। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, देखिए ऑन दिखा रहा है लेकिन ये इस तरीके का एरियर आ रहा है। ये एरियर भी क्या है अभी कोई समझ में नहीं आ रहा। तो मैं इसमें प्रेशर स्विच हटा रखा हूँ, तो प्रेशर स्विच जैसे ही इसमें देखो इंटर कर रहा हूँ मैं, ये इंटर कर दिया, ये मशीन ही बंद हो गई। देखिए ये PCB सप्लाई बंद हो जाती है। तो अपन समझते हैं कि ये प्रेशर स्विच का कोई इश्यू होगा। तो मैं प्रेशर स्विच एक दूसरा मेरे पास से फिर लगाता हूँ, देखते हैं क्या है। तो देखिए मैं अभी इसमें ये वाला प्रेशर स्विच हटाता हूँ, ये हटा दिया मैंने, देखिए वापस PCB ऑन हो गई है। फिर ये लगाता हूँ दूसरा, मेरे पास ये चालू है, मुझे पता है इसका पूरा। तो इसको लगाता हूँ मैं, क्या होता है, फिर ये डेड हो जाती है। तो ये डेड क्यों हो रही है, इसका रीज़न अभी चेक करते हैं। हटाया, वापस ऑन हो गई। अब इसमें वोल्टेज चेक करते हैं कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो मैं मीटर को दोस्तों अभी DC वोल्ट पे ले लिया हूँ और इसमें DC वोल्ट चेक करते हैं कि प्रेशर स्विच पे वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो दोस्तों 2.4 वोल्ट इसमें आ रहे हैं और 2.4 ही दिखा रहा है, 2.4 वोल्ट इसमें आ रहे हैं। तो 2.4 वोल्ट इसमें दोस्तों ये वोल्ट बहुत कम है, ये वोल्ट आधे ही आ रहे हैं। ये इसमें सप्लाई की ही इश्यू है, क्योंकि यहाँ 5 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी तो ही ये काम करेगा। तो जैसे ही मैं इसको लगाता हूँ और ये लोड बढ़ता है सप्लाई के ऊपर, जैसे ही लोड बढ़ता है तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई ड्रॉप हो जाती है, ये ड्रॉप हो गई। ड्रॉप होते ही ये सिस्टम बंद हो जाता है। अब एक बार फिर मैं इसको कोशिश करता हूँ कि लगे हुए मैं वोल्टेज चेक करें कि देखिए क्या बताता है। वोल्टेज चेक होने तो है तो मुश्किल, लेकिन करता हूँ कार्रवाई। ये 2.4 वोल्ट ही बता रहा है दोस्तों, जब लगा दिया तो अभी 2.4 ये वोल्टेज शो कर रहा है। अब मैं इसमें तीसरी पिन पे जाता हूँ, देखिए यहाँ कुछ शो कर रहा है क्या, यहाँ कुछ शो नहीं कर रहा है ये। तो मैं एक बार इस पिन को मैं अभी दोस्तों इस एक वायर को मैंने हटाया, देखिए ये पिन मैंने आउट रख रखी है और इसको ये दो पिन जो पावर आता है वो लगाया मैंने, तो पावर में इसको कोई परेशानी नहीं हो रही, वैसे शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको सही लगाता हूँ तो ये देखिए बंद कर रही है इसको। अब दोस्तों इसको पावर सप्लाई को चेक करते हैं कि पावर सप्लाई में कहीं मिस किए गई है क्या है। तो अब मैं इसको हटाता हूँ और ट्रेस करता हूँ कि वोल्टेज कहाँ मेरे नहीं बन रहे, नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसको मैं रिपेयर कर चुका हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। देखिए ये यहाँ क्या है, पानी जाने से ये डायोड लग रहे हैं, जीनर डायोड 1, 2, 3। अभी थोड़ा दिखना बहुत मुश्किल है कैमरे से, लेकिन आप देखिए, कोशिश करता हूँ मैं। तो दो तो दिख ही रहे हैं इधर, एक मैंने ये अभी देखिए इधर से खोल करके ये ऊपर लगा दिया इसके मैंने। तो इससे ये एक ब्लास्टिक था जो दिखाता हूँ मैं आपको, इस कंडीशन में हो गया था ये देखिए। तो ये जीनर डायवर्ट था, तो मैंने ये डायवर्ट ऊपर मार दिया इसको और ये पानी चला गया, इससे मैं साफ कर दिया हूँ बिल्कुल। तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये सही काम हुआ या नहीं हुआ है। देखिए मैं PCB को भी लाइन दे चुका हूँ और मेरे जेक कंप्लीट लग चुके हैं, ये देखिए। अब मैं ऑन का बटन दबाता हूँ इसका, ये ऑन मेरी PCB हो गई है। अब मैं जैसे ही इसको ड्रम को घुमाऊँगा
ये देखिए अभी पीसीबी मेरी एकदम एक्यूरेट हो चुकी है। पहले तो ये जैसे ही प्रेशर स्विच लगाता था तो लगाते ही ये डेड हो रही थी, अब डेड नहीं हो रही है, एकदम बिल्कुल सही तरीके से ये काम करने लग गई है, सारे बटन्स काम करने लग गए हैं। पूरी तरह ये पीसीबी काम करना शुरू कर दिया है। अब देखिए 18:30 से जैसे जो जो कंडीशन है सब कंडीशन पे ये काम करने लगी है। अब जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ये सेलेक्ट हो गई, तो अब ये पानी के लिए प्रोसीजर चालू कर देगी। पानी का क्या है इसमें दो तीन है, देखिए दो ये है एक ये है, तो मैं चेक तो खैर नहीं कराऊँ लेकिन ये काम पूर्णतः हो चुका है क्योंकि अब पानी लेगी, पानी लेने के बाद प्रेशर स्विच जैसे प्रेशर कट करेगा फिर ये रनिंग चालू हो जाएगी इसकी। बाकी ये कंप्लीट हो चुका है पीसीबी, अब कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही है। तो दोस्तों अभी फिर ऐसा वीडियो और डालेंगे। जय हिंद जय भारत, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। दोस्तों एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये कि मैं बहुत ही कम वीडियो इसलिए डालने लग गया कि मेरा मन थोड़ा अब फीका हो गया, क्योंकि अब जैसे ही आपके पास वीडियो गया आपने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद ये मेरे चैनल से ताल्लुक रहता नहीं है। आपको बार बार मैं ये कहता हूँ कि चैनल का वीडियो वो चैनल पे ही मिलेगा, आप चैनल पे ही रहिए, ताकि डाउनलोड करने से चैनल को बड़ा नुकसान होता है। तो आपसे मैं बार बार यही कहता हूँ कि मेरे चैनल को कोई भी वीडियो आप डाउनलोड ना करें, ताकि डाउनलोड से चैनल को बहुत बड़ा नुकसान होता है, इसलिए हम आगे वीडियो डालने की हमारी तमन्ना नहीं रहती है। तो दोस्तों इस विचार डाउनलोड करने के बाद बारे में आप थोड़ा विचार करना कि आप क्यों मना कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि हमारा फिर मनोबल टूटता है, मनोबल टूटता है तो फिर हमारा काम करने की कोई इच्छा रहती नहीं है। क्योंकि हमें कोई यूट्यूब से इंटरेस्ट नहीं है इतना, लेकिन फिर भी हमें कुछ मिलता है तो ही हम काम करेंगे, वरना क्यों करेंगे, नहीं कोई नहीं करता दुनिया के अंदर। फिर मैं आपके हर इंसान के फ़ोन भी सुनता हूँ, बार बार जितने भी कॉल करते हैं मैं सब कुछ जवाब देता हूँ जितना जानता हूँ, फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।